पब्लिक चैनल से। दोस्तों जेट एयरवेज जैसे कि आप जानते हो एक बड़ी कंपनी है, एक नामवर कंपनी थी, और वो कंपनी काफी दिनों से घाटे में चल रही थी क्योंकि वो कंपनी ने सरकार से भी गुहार लगाई थी, लेकिन सरकार ने ना ध्यान दी उस कंपनी के ऊपर और ना वो जो जेट एयरवेज के जो मालिक है उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपना जो शेयर है वो बेच के जो कर्मचारियों की जो तनख्वाह है, आज काफी दिनों से वो कंपनी घाटे में चल रही थी, इसके वजह से तनख्वाह जितने कर्मचारी है उसमें सबकी रुकी हुई थी। उसमें एक शैलेश सिंह नाम के जो है टेक्नीशियन थे जो पालघर में रहते थे, वो भी कल जो है ये न्यूज चुनाव के वजह से जो है कहीं ना कहीं दब गई। चैनल वाले है वो डालने शायद रह गए कि हाँ भाई इतना ध्यान नहीं दे पाए कि कोई एक टेक्नीशियन जो जेट एयरवेज में काम करता था उसने कल एक बिल्डिंग से उसने अपने छत के ऊपर बैठ के और आत्महत्या कर लिया क्योंकि उसके घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था। यहाँ तक उनका एक बताना है कि नमक का पैकेट भी नहीं ला सकते थे घर में, और उनका लड़का भी जो था, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उनका लड़का भी जो था वो भी उसी में काम करता था और उसकी भी तनख्वाह रुकी हुई थी, तो काफी ज्यादा उसको लेके जो है तनख्वाह ना मिलने की वजह से उनको परेशानी बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन में थे कि मैं अब करूँ क्या। तो उन्होंने एक जो है अपने बिल्डिंग के छत के ऊपर गए, जैसे आप देख सकते हो छत के ऊपर बैठे हुए है, और वहां से उन्होंने छलांग लगा दिया, वो उनकी मौत हो गई। तो ये इस मौत का जिम्मेदार सरकार भी है और ये कंपनी भी है कि वक्त रहते हुए अगर इस पे ध्यान दिया जाता तो शायद आज इस शैलेश सिंह नाम का टेक्नीशियन जो है इसकी जान बच जाती। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।